समूचे देश आजादी की वर्षगांठ मना रहा है। देश को आजादी मिले हुए 75 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज भी कुछ ग्राम ऐसे हैं जहां पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाई है और लोगों को परेशान होना पड़ता है। कुछ ऐसा ही मामला आज सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह शासकीय स्कूल के बच्चे तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और उन्हें कीचड़ भरे रास्ते से निकलना पड़ रहा है। यह कीचड़ काफी दूर तक फैला हुआ है और बच्चों को परेशान होना पड़ रहा है। यह मामला जिला निवाड़ी की पृथ्वीपुर विधानसभा का है। बताया गया है कि इस गाँव में सरपंच का परिवार तकरीबन 20 वर्षों से सरपंच पद पर आसीन है, लेकिन इस ग्राम की दुर्दशा बनी हुई है और विकास के नाम पर आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह लोग अपना जीवन बसर कर रहे होंगे। यहाँ मच्छरों का प्रकोप और बीमारियां बढ़ रही है, तो लोगों को वहाँ से निकलने में भी परेशानी आ रही है। पृथ्वीपुर विधानसभा उपचुनाव के दौरान भाजपा से डॉक्टर शिशुपाल यादव विधायक के रूप में चुने गए थे, लेकिन शायद उनको भी इस गाँव की सुध लेने की फुर्सत नहीं है। अब देखना यह होगा कि खबर दिखाए जाने के बाद जिम्मेदार अधिकारी क्या कार्यवाही करते हैं या फिर मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। क्या नाम है आपका? मनोज यादव। मनोज जी, बताएं क्या समस्या आ रही है आपकी गांव में? रास्ते ही की है सर, सबसे मेन। कब से समस्या आ रही है, क्या समस्या है? बहुत दिन से जब से हम देखे, जब से ऐसी देखे। इसके लिए आपने किसी से कहा नहीं? सबसे कहा, कोई सुनता नहीं है। तो कैसे निकलते हैं आप लोग? अब निकल रहे सर, जैसे निकल रहे, दिन निकाल रहे। तो वैसे में कोई घर का बीमार हो जाए तो कैसे लेके जाते हैं? बहुत बड़ी मुसीबत से वो तो बस वह तो इतना ही हुज्जत वो तो पहुँचे नहीं पे। क्या नाम है आपका? हमारा बलराम यादव। क्या समस्या है आपकी गांव में? हमारी समस्या ये है कि रास्ते में ये कार चल रहा है, कहीं निकल नहीं पा रहा है। निकलने के बाद अब कोई सुन नहीं रहा है इसमें। कब से समस्या आ रही है आपकी? 15 साल से हर साल बरसात होती है, कभी भी पानी गिरे तो जान लो कि सलके ही जाओगे आप। कब से नहीं है आपके गांव में सड़क? ये सड़क तो अब देख लो आप, कहीं डला ही नहीं है, उपाय ही नहीं है सड़क का। तो इसके बारे में आपने अपने सरपंच से कहा? अब सबसे कहा, कहते हैं कोई सुनता, हाँ हो जाएगा काम, हो जाएगा काम। और ये रोड के कहते हैं ये तुम ये दुनिया के सीईओ से वो दस्तखत करवा के ले आओ, कहूँ ग्राम से जो दुनिया ये करवाओ, अपना नक्शा करवाओ। इसके बाद हम ऐसे में कोई बीमार होता है, क्षतिग्रस्त होता है, तो उसको कैसे लेके जाते होंगे? वो तो टांग के ले जाते हैं कंधों पर। कंधों पर टांग के लेना? कंधे पर, अगर बीमार आदमी हो तो कंधों पर टांग के तो ले जाएंगे, उसको लेना है तो वो गिर जाएगा। कहीं समस्या ये है कि कहीं चिकनी मिट्टी है तो गिरेंगे आदमी पे। तो ठीक। क्या नाम है आपका? भूपत प्रजापति। भूपत जी, बताइए क्या सड़क की क्या समस्या आपके गांव में? देखा घूटन साल 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 जाए, पानी बहा भी खोजा, दू है हेड पंप, पानी नहीं बहा भी जा पा, फिर गले ही नहीं क्यों कड़ भी। कब से समस्या आ रही है? पर रहा है आदमी, समस्या कब से आ रही है ये? तो हमें बिलादन से आ ही जाता है। इसकी सरपंच से कहा आपने? इन कष्ट भी नहीं सुना, नहीं सुनते, नहीं सुना। कौन है यहाँ का सरपंच? सियासपुर। क्या नाम उनका? विद्या देवी है। क्या नाम है दादा आपका? हीरा जी, क्या समस्या है आपके गांव में? साहब हमारे गांव में बहुत बड़ी समस्या है, कड़वी को गली नहीं है, घूंटन सर रहे। कब से समस्या आ रही है? आई तो कभी से 15-16 साल से। 15-16 साल से इसकी शिकायत कहीं आपने की है? कई यहाँ शिकायत गई, कोई नहीं सुना, कोई सुनवाई नहीं होती, कोई सुनवाई नहीं होती। ठीक। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।